देख रहे हो स्टडी हेल्प और मैं सचिन। दोस्तों रीट लेवल टू का जो स्टे है वो अट चुका है दोस्तों, पूरी तरह से अट चुका है। और जो कमलेश मीणा ने यहाँ पे रीट लेवल टू पर जो लगाया था कि स्टे नहीं हटाना चाहिए, लेकिन उनकी वो अर्जी खारिज कर दी गई और रीट लेवल टू का स्टे हट दिया। दोस्तों सारी जानकारी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए और बगल में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए, जिससे क्योंकि जैसे मैं कोई नई वीडियो लेकर आऊँ रीट लेवल टू से संबंधित तो सबसे पहले आप वीडियो देख सकते हो अपने फ़ोन पर। दोस्तों सब्सक्राइब ना हो और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक के बटन पर क्लिक करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मैं प्रूफ के साथ इस वीडियो में आपको बताऊंगा। दोस्तों जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो ये उपेन यादव का ट्वीट है। दोस्तों ये हमारे एक और संघर्ष की हुई जीत, रीट लेवल सेकंड के बेरोजगारों के लिए खुशखबरी आई कोर्ट ने कमलेश मीणा की याचिका की खारिज। रीट लेवल सेकंड 2018 के 28,000 बेरोजगारों की नियुक्ति का खुला रास्ता, कल यहाँ परसों तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कर देगा रीट लेवल टू का परिणाम जारी। उसके तुरंत बाद बीकानेर जारी करेगा रीट लेवल टू शिक्षक भर्ती आवेदन के लिए विज्ञप्ति। ये उपेन यादव की तरफ से यहाँ पे बयान आया दोस्तों कि एक या दो दिन में अब रिजल्ट भी आ जाएगा। दोस्तों कल या परसों तक आपका रिजल्ट है वो आ जाएगा, पक्का हो गया दोस्तों, यानी कि 1 अगस्त या 2 अगस्त को आपका रिजल्ट आने वाला है। और दोस्तों तो ये खुशखबरी आपके लिए बहुत ही बड़ी है कि हाईकोर्ट ने वो स्टे हटा दिए दोस्तों, और अब आपका जो परिणाम है वो भी आ जाएगा दोस्तों 1 या 2 अगस्त को। दोस्तों धन्यवाद इस वीडियो देखने के लिए, और जैसे मैं कोई नई वीडियो लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप इसे देख सकते हो अपने फ़ोन पे, इसलिए सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि सभी को जानकारी मिले कि रीट लेवल टू का फैसला आ चुका है और स्टे वो हटा दी गई है दोस्तों। कोर्ट की तरफ से ये अपडेट निकली दोस्तों, कोर्ट नंबर 8 में ये सुनवाई चल रही थी केस नंबर 85 पर, और वह पूरी हो गई और स्टे हटा दी गई दोस्तों। 10:30 बजे से शुरू हुई थी ये सुनवाई, लेकिन दोस्तों जल्द ही खत्म कर दी गई और रीट लेवल टू की जो याचिका थी कमलेश मीणा की वो खारिज करके स्टे हटा दी गई। दोस्तों ये जज की तरफ से बयान है दोस्तों, बड़ा फैसला है। और दोस्तों जैसे मेरे को नई वीडियो अपडेट लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप उसको देख सकते हो अपने फ़ोन पर, इसलिए सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर करें।